नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ आंवले से बनने वाली ऐसी रेसिपी। ना ही मैं उसको भाप से पकाऊंगी, ना ही उसको मैं उबालूंगी। एक नए ट्रिक से मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने यहाँ ले लिया है आंवला, अच्छे से धो करके साफ़ कर दिया है। अब मैंने यहाँ ले लिया है चम्मच, कांटे वाला चम्मच ले लिया है। अब इसको मैं अच्छे से इसमें छेद कर दूँगी, इसी तरह से इसको छेद करके ले लेने का है। अब ये बहुत ही आराम आराम से हो जाता है, एक कांटे वाले चम्मच से बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है फटाफट। तो इसी से अगर आप करेंगे ना तो बहुत जल्दी छेद हो जाएगा। तो अभी मैं इसको सारा छेद करके पानी में डाल दी हूँ। 10 से 5 मिनट के लिए मैंने इसमें इसको पानी में डाल दिया था। आप चाहे तो 1 घंटा 2 घंटे के लिए भी डाल सकते हैं, आपके सब पास अगर टाइम है तो 10-5 मिनट के लिए भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसको एक बर्तन में निकाल करके ले लेती हूँ। अब इसको एक सूती कपड़े में मैं इसको अच्छे से इसका जो पानी एक्स्ट्रा है सुखा करके ले लेती हूँ। तो इसी तरह से मैंने एक सूती कपड़ा फैला दिया है, इसमें सारा आंवला मैं इस पर रख दूँगी। इसमें अब इसको अच्छे से पानी को सुखा करके ले लेने का है। तो इस तरह से हम अगर सूती कपड़े में करेंगे ना तो इसको अच्छे से पूरा इसका पानी सूख जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से इसको हाथों से थोड़ा पानी को सुखा करके ले लेने का है। इससे क्या है, पानी अच्छे से सूख जाता है ना तो अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल पानी एकदम सूख चुका है। इस एक बर्तन में इसको निकाल करके ले लेती हूँ। यहाँ मैंने एक बर्तन में इसको निकाल लिया है, अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया, यहाँ मैंने 100 ग्राम गुड़ दिया है, उसको अच्छे से छोटा छोटा करके ले लिया है। अब उसी मेजरमेंट से मैंने उतना ही चीनी भी डाल दिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं, लेकिन चीनी मीठा का मात्रा थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए, कम नहीं रहना चाहिए। तो अभी मैं इसको दोनों को मिक्स करके ले लेती हूँ इसी तरह से। अब जो मैंने आंवला रखा था साइड में उसको भी इसमें सारा रख दूँगी, इसी के अंदर सीकर फैला दूँगी सारा इसमें। अब इसको अच्छे से थोड़ा गुड़ के साथ और चीनी के साथ अच्छे से मिक्स करके ले लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं गुड़ और चीनी दोनों एकदम मेल्ट हो चुका है। अब इसी के साथ आंवला भी अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि मैंने इसको ना उबाला था ना ही इसको मैंने स्टीम किया था। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पूरा आंवला भी अच्छे से एकदम हो चुका है और गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर, और मैं 8 से 10 मैंने इलायची का दाना रखा था छील करके वो भी डाल देती हूँ। अब 1/2 चम्मच इसमें मैं जीरा पाउडर डाल देती हूँ। अच्छे से इसको चला करके मिक्स कर लेती हूँ। इसका कलर थोड़ा इसलिए काला है कि फ्रेंड्स इसका गुड़ मैंने डाला था, इसलिए थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अभी मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ, अब इसको ठंडा होने देती हूँ। अब मैं कांच का बॉटल ली हूँ, आपके पास अगर बड़ा बॉटल हो तो आप बड़ा बॉटल भी ले सकते हैं। तो इतना ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने छोटा ही बॉटल लिया है। अभी मैं इसमें सारा एक इसी तरह से डाल दूँगी, इसको कांच के ही बॉटल में रखना है और किसी बर्तन में प्लास्टिक वगैरह में नहीं रखना है। इसको 4 से 5 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक बार अगर आप बनाएंगे ना तो आपको बार बार इसी रेसिपी से बनाने का मन करेगा। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये आज की मेरी आंवले की मुरब्बे की रेसिपी आपको कैसी लगी। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे रेसिपी बनाने में बहुत ही हेल्प मिलता है। तो इसको आप कांच के ही बर्तन में रखें और किसी बर्तन में नहीं रखना है, कांच के बर्तन में ही रखना है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।